हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग जालियांवाला बाग से ही स्टार्ट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो एकदम जितना एनर्जी है अभी आपके पास वो सारा का सारा एनर्जी इस दारोगा के लिए लगा दीजिए, क्योंकि फिर टाइम आपके पास नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी बार आर या पार वाली बात होनी चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगला टॉपिक में हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो देख रहे थे। मॉडर्न इंडिया से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं तो मॉडर्न इंडिया पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे और साइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और मैथ और इनिंग का सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग इस पर ज़रूर फोकस करिएगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग देखेंगे। देखिए, सेडिशन कमेटी का गठन 1918 में हुआ था। सेडिशन कमेटी का गठन 1918 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे, जिसका नाम था सिडनी रोलक्ट, है ना। जिसके अध्यक्ष कौन थे? सिडनी रोलक्ट थे, याद रखिएगा। सेडिशन कमेटी का गठन हुआ था 1918 में, जिसके अध्यक्ष थे सिडनी रोलक्ट। उद्देश्य देखिए इसका क्या है। उद्देश्य कहता है कि राष्ट्रवादी विचारधारा को दबाना इसका काम था। राष्ट्रवादी विचारधारा जो सबसे ज़्यादा तीव्र और व्यापक रूप धारण कर रही थी, उसी को दबाना इसका उद्देश्य था। और यही रोलक्ट एक्ट को ना अपील, ना वकील, ना दलील के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। गांधी जी ने रोलक्ट एक्ट को काला कानून कहा और इसे ना अपील, ना वकील, ना दलील के नाम से हम लोग जानते हैं। और देखिए, मार्शल लॉ जो कानून है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लें। चलिए आगे देखते लेते हैं। यहाँ देखिए, कहा जाता है इसके समय में कि 6 अप्रैल 1919 को भारत में देशव्यापी हड़ताल हुआ था, जिसका प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो रोलक्ट एक्ट था। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को भारत में देशव्यापी एक हड़ताल हुई थी, जिसका प्रमुख कारण था रोलक्ट एक्ट। और कहा जाता है इसी दौरान मार्शल लॉ अमृतसर में लगाया गया। ठीक है, जिसका विरोध दो लोग कर रहे थे, डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर शहुद्दीन किचली के द्वारा यह विरोध हो रहा था। ठीक है, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई और इसकी रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के वासी जल्ली नामक व्यक्ति के पास जालियांवाला बाग जो जगह है वहाँ पे पहुँचते हैं, जिसकी सूचना आगे इसको देखा जाए। तो जैसे ही ये दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं, गिरफ्तार होने के बाद जो अमृतसर के वासी है जालियांवाला बाग स्थान पे पहुँचते हैं और वो पहुँचते हैं जली नमक व्यक्ति से, इसकी सूचना देते हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद देखिएगा, जिसकी सूचना हंसराज ने जनरल हैरी डायर को दिया, ये भी याद रखिएगा, जनरल हैरी डायर को दिया, जिसके बाद जालियांवाला बाग जनरल ओ डायर, ठीक है, इसे याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल ओ डायर पहुँचता है और गोली चलाने का आदेश दे देता है, है ना। और इसी घटना को हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये देखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं और पूछा जाएगा तो जनरल ओ डायर हो जाता है। जनरल ओ डायर था वहाँ का, जिसने आदेश दिया और बहुत सारे लोग वहाँ पे मारे गए। ठीक है, ये सरकारी कमेटी देख लेते हैं। सरकारी कमेटी थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया जाए, है ना। तो देखिए, सरकारी कमेटी बनी, जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल के लिए एक कमेटी बनी, जिसको हम लोग हंटर आयोग के नाम से जानते हैं, जिसके अध्यक्ष बनाए गए विलियम हंटर, है ना। विलियम हंटर इसके अध्यक्ष बने और कहा जाता है कि हंटर रिपोर्ट के अनुसार लगभग 379 लोगों की मृत्यु हुई, 379 लोगों की मृत्यु हो गई। और रिपोर्ट यह आया 1920 में, ठीक है,
यह रिपोर्ट 1920 में आया। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए जो कमेटी बनी पूछा जाता है, इसी को हम लोग हंटर रिपोर्ट या हंटर आयोग बोलते हैं, जिसके अध्यक्ष बनाए गए विलियम हंटर को। और इस हंटर रिपोर्ट के अनुसार 379 लोगों की मृत्यु होने का पुष्टि किया और रिपोर्ट यह 1920 में आया। ठीक है, गैर सरकारी जो कमेटियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए कहा जाता है कि तहकीकात कमेटी का और ये विचार देने वाले महात्मा गांधी हैं, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया और तहकीकात कमेटी का जो विचार था वो महात्मा गांधी ने दिया, जिसका अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय को बनाया गया। और ये कहा जाता है कि इनके रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1000 से 1200 लोगों की मृत्यु हो गई, 1000 से लेकर के 1200 लोगों की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो कमेटी देखा, एक था हंटर आयोग जो बार बार पूछा जाता है, और महात्मा गांधी ने भी इसकी जांच कराई थी तहकीकात कमेटी के माध्यम से, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे। और इसमें रिपोर्ट ये दिखाया गया कि लगभग 1000 से 1200 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और हंटर आयोग की रिपोर्ट में ये दिखाता है कि 379 लोगों की ही मृत्यु होती है। ठीक है, अब देखिए इससे दुख हो करके जो जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इससे दुखी हो करके बहुत ऐसे जो राष्ट्रीय नेता हैं उनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मोह भंग हो जाता है, जिसके कारण जो ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा जो उपाधियाँ दी जाती है उन लोगों को सारे उपाधि लोग धीरे धीरे लौटा देते हैं। जैसे में नाइटहुड और सर की उपाधि लौटाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, और वायसराय के कार्यकारिणी सभा से त्याग पत्र देने वाले शंकर नायर हो जाते हैं, जो बहुत ही वीवीआई है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से शुभ्ध होकर के रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और सर की उपाधि त्याग दी, उसी तरह वायसराय के कार्यकारिणी सभा से त्याग पत्र शंकर नायर ने दिया, और राय बहादुर की जो उपाधि मिला हुआ था वो भी जमुना लाल बजाज ने त्याग दिया। आगे देखिए, सरे हिंद और केसरी हिंद जो था, ये उपाधि महात्मा गांधी को दिया गया था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर के महात्मा गांधी ने भी यह पदवी लौटा दिया 1920 में। ठीक है, और ये देखिए गांधी जी को जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद गांधी जी ने एक दिन का अनशन भी किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध करने के एवज में देखिए महात्मा गांधी को भी हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार कर लिया गया, इसे याद रखेंगे। ठीक है, जिसके विरोध के बाद गांधी जी ने एक दिन का अनशन भी किया उन्होंने। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारतीय वायसराय जेम्स फोर्ड था, जो पूछा जाता है आपसे। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, उस समय वायसराय कौन था, तो जेम्स फोर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए कहा जाता है कि उद्धम सिंह ने 1940 में जनरल डायर को लंदन में गोली मार दी। जैसे आप देखिएगा ये जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो भारत के बहुत अमृतसर में जो बहुत सारे लोग मारे गए थे, लगभग 1000 से 1200 जो लोग थे मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, उसी से क्षुब्ध होकर के ये जो उधम सिंह है ये इन्होंने बदला लेने की सोचा, और इन्होंने ही जनरल जो डायर थे उनको गोली मार दिया लंदन में मार दिए, जिनका समाधि स्थल पूछा जा सकता है समाधि स्थल ब्रिस्टल में है, ब्रिस्टल में, ब्रिस्टल कहाँ पे है, लंदन में है। ठीक है, उधम सिंह ने
उधम सिंह ने गोली ही मार दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जानबूझकर करवाया गया, यह बात सीएफ एंड्रूज ने कहा। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जानबूझकर करवाया गया और यह बात सीएफ एंड्रूज ने कहा। जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो सेनापति था जनरल ओडायर, उसको गोली मार करके हत्या करने वाला उधम सिंह है, और यह उनको भी वही उनकी मृत्यु हो जाती है जिनकी समाधि स्थल ब्रिस्टल लंदन में है। देखिए, डंडा फौज की स्थापना चमनदीप ने किया, ये भी याद रखिएगा, है ना। डंडा फौज की स्थापना चमनदीप ने किया, ये भी याद रखेंगे आप लोग। अगला देखिएगा, अगला जो है हम लोग का, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया जाए। देखिए 1919 खिलाफत आंदोलन हम लोग देखेंगे। 1919 में खिलाफत आंदोलन होता है, सब डेट याद रखिएगा। ठीक है, देखिए खिलाफत आंदोलन तुर्की से प्रारंभ हुआ, है ना। खिलाफत आंदोलन तुर्की से प्रारंभ हुआ था, जिसका प्रमुख कारण खलीफा पद का अंत होना। भारत में खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली ने प्रारंभ किया, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी, जिसका विरोध मोहम्मद अली जीना ने किया। ठीक है, और खिलाफत आंदोलन का देखिए, उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के बीच में मतभेद हो गई थी, और तुर्की को ख़त्म करने यानी कि तुर्की के जो खलीफा थे, तुर्की के खलीफा का कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम जगत में या मुसलमान के जो उनका जो एक समाज है, इसमें बहुत ही सर्वोच्च पद माने जाते हैं। खलीफा का स्थान सभी लोगों का एक अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसीलिए जब वो ये तुर्की का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपने कब्जे में किया, तो यहाँ का जो खलीफा का पद था उसको अंत कर दिया, जिसका विरोध सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा था, बल्कि जहाँ जहाँ मुस्लिम समाज के लोग थे सभी लोग कर रहे थे। ठीक है, और इसी विरोध में जो भारत में विरोध हो रहा था, उसमें दो लोग शामिल थे, जैसे शौकत अली और मोहम्मद अली ने प्रारंभ इसका किया था, और जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया, है ना, और जिसका विरोध मोहम्मद अली जीना ने किया। यहाँ पे देखिए, हागिया सोफिया मस्जिद, ये है आपको तुर्की में पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1920 का घटना देखिएगा। 1920 में देखिए, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा, 1 अगस्त 1920 को याद रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसी दिन तिलक जी की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद तिलक फंड की स्थापना हुआ, जिसमें 6 महीने में लगभग 1 करोड़ रुपये जमा हुए। इसकी अर्थी को कंधा शौकत अली ने दिया। हाँ, पूछा जाता है ये सवाल, जैसे आप देखेंगे असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है आपको 1 अगस्त 1920 में, और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है, और जिसके बाद जो वहाँ के लोग होते हैं तिलक फंड की स्थापना करते हैं, और देखते देखते उस फंड में लगभग 1 करोड़ से कहीं ज़्यादा रुपए जमा हो जाते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक का जो अर्थी को जो कंधा दिया था, उनका नाम था शौकत अली। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देख लें। असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण क्या है? असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण पूछा जा रहा है कि कारण क्या है। तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड खिलाफत आंदोलन और रौलट एक्ट इसका कारण था। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको 1919 में हुआ, और इसमें बहुत सारे भारतीय मारे गए। उसके बाद यहाँ पे खिलाफत आंदोलन भी हुआ, खिलाफत आंदोलन, जैसे तुर्की को वहाँ के जो खलीफा थे उसके पद को ही समाप्त कर दिया गया, और उसी समय 1919 में एक कानून लाई गई जिसको हम लोग रौलट एक्ट कहते हैं। ये सब कारण हो जाते हैं असहयोग आंदोलन के। ठीक है, और देखिए, असहयोग आंदोलन का विरोध किया था एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जीना ने, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है
कि असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया, विरोध ठीक है, असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया, तो एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जीना के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। ठीक है, देखिए 1920 में असहयोग आंदोलन जो हुआ, 1920 में यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन में सबसे अधिक शराब का बहिष्कार, ये जो सवाल है पूछा जाता है, यह बिहार में ही हुआ था, है ना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बिहार के लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब बिकेगा तो मेरी आय बढ़ेगी, है ना। और महात्मा गांधी भी एक बार समझाए, महात्मा गांधी भी यहाँ पे आकर समझाए थे, तब जाकर के लोग एक्सेप्ट किया और इनके बात को माना और शराब का भी बहिष्कार करने के लिए लोग धरना प्रदर्शन दिए। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के अस्थायी अध्यक्ष जो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा लाया गया, ये सवाल पूछे जाते हैं आपसे। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के अस्थायी अध्यक्ष जो लाला लाजपत राय थे, ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में कोलकाता अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा लाया गया था, ठीक है, गांधी जी के द्वारा लाया गया था। चलिए अगला देखते हैं, इसमें याद रखिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, दिसंबर 1920 में कांग्रेस के अस्थायी अध्यक्ष है ना विजय राघवाचारी के नेतृत्व में चितरंजन दास के द्वारा लाया गया और यह अधिवेशन नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन में गांधी जी ने कहा एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति, यह गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। ठीक है, देखिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, जैसे मैं देखिए पूछा गया बहुत बार कि कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी ने ये बात कहा था कि एक वर्ष के अंदर ही हम स्वराज को प्राप्त कर लेंगे, तो वह आंदोलन आपके असहयोग आंदोलन हो जाता है, है ना, 1920 का असहयोग आंदोलन हो जाता है और असहयोग आंदोलन को ही महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये देखिएगा सितंबर 1920 में जो अस्थाई अध्यक्ष थे विजय राघवाचार्य, इन्हीं के नेतृत्व में यह चितरंजन दास के द्वारा लाया गया अधिवेशन था और यह अधिवेशन आपको नागपुर में लाया गया और इसी अधिवेशन यानी कि कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने यह नारा दिया था कि हम एक वर्ष के अंदर ही स्वराज को प्राप्त कर लेंगे और यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। 1920 के असहयोग आंदोलन को ही महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए आगे कहता है कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर का, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर का एक क्षेत्र है जहां पे चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन को भगवान अहिर के नेतृत्व में जला दिया गया। ठीक है, जैसे आप देखिएगा 5 फरवरी 1922 की घटना थी चौरी चौरा कांड के नाम से हम लोग जानते हैं, यह गोरखपुर जिले के क्षेत्र था जिसमें थाना में लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन को ही जला दिया जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति भगवान अहिर था। ठीक है, इसी घटना को हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। इसी कांड के बाद महात्मा गांधी ने दुखी होकर बारदौली से, पूछा जाता है कहाँ से, तो बारदौली से, बारदौली कहाँ पे है, गुजरात में, बारदौली से डॉक्टर मुंजे एवं एस एन सेन के नेतृत्व में 12 या 13 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद करने का निर्णय लिया। ठीक है, और इसे हिमालय जैसी भूल कहा गया। ठीक है, इसे हिमालय जैसी भूल कहा गया। चौरी चौरा कांड ये भी पूछा जाता है 1922 में हुआ, क्यों हुआ, तो चौरी चौरा ये गोरखपुर का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसी स्टेशन को लोगों ने जला दिया और उसका नेतृत्व भगवान अहिर नामक एक व्यक्ति कर रहे थे। ठीक है, इस घटना से सबसे ज़्यादा दुखी होकर महात्मा गांधी ने बारदौली से इसे बंद करने का निर्देश दिया। ठीक है, निर्देश दिया और यह डॉक्टर मुंजे एवं एस एन सेन के नेतृत्व में 11, 12, 13 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद करने का आदेश दिया गया।
इसे हिमालय जैसी भूल भी कहा गया। ठीक है, चलिए अगला देखा जाए। 1920 में देखिए गुजरात विद्यापीठ की स्थापना होती है। 1920 में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना होती है, जो गुजरात में है। इसकी स्थापना जो करता है, इसका स्थापना जो किया, वो महात्मा गांधी के द्वारा होता है। 1920 में ही जामिया इस्लामिया जो दिल्ली में है उसकी स्थापना किया गया, और इसकी स्थापना जाकिर हुसैन ने किया था 1920 में ही। 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना होती है, काशी विद्यापीठ की स्थापना होती है, और इसका स्थापना भगवान दास ने किया और शिव व प्रसाद गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना किया जाता है काशी विद्यापीठ की। ठीक है, चलिए यहाँ देखा जाए थोड़ा। असहयोग आंदोलन बंद करने का विरोध चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही ज़्यादा किया। असहयोग आंदोलन को बंद करने का जो विरोध है वो चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया जाता है। और सुभाष जी ने कहा यह राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यह राष्ट्रीय संकट से कम नहीं है। चौरी चौरा कांड के दोषियों को बचाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत आए थे। ठीक है, ये देखिए कहता है कि चौरी चौरा कांड के जो दोषी को बचाने के लिए गोविंद बल्लभ पंत आए थे, और चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी को 6 वर्षों की सजा न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने सुनाया था। चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी को 6 वर्ष की जो सजा दिया गया था वो न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ही था जो सुनाया था, जो कि पत्थरी या स्टोन या अस्मरी बीमारी के कारण 1924 में रिहा हो गए। ठीक है, रिहा हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था वस्तुओं को जलाना निष्ठुर बर्बादी है। उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने बात कहा था कि वस्तुओं को जलाना निष्ठुर क्या है, बर्बादी है। चलिए अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं।